हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम, बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल रेसिपी, साबुत प्याज की राजस्थानी फ्लेवर वाला चटपटा, भीषण गर्मी से या लू से बचाने वाला स्वादिष्ट सब्जी, जिसे आप पूरी, पराठा, रोटी या फिर सिंपल दाल चावल के साथ सर्व करें, सबको खूब पसंद आएगा। और रेसिपी बिल्कुल सिंपल और इजी है, तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सब्जी को चटपटा बनाने के लिए हम इमली ले लेते हैं। बस एक टेबल स्पून आप इमली लीजिएगा और उसे गर्म पानी में मैं भिंगो देती हूँ, तो बस 15 से 20 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से फूल जाएगा और इसका पल्प हम अच्छी तरह से फूलने के बाद निकाल लेंगे। चलिए इसे एक साइड में रखते हैं और प्याज देख लेते हैं। तो मैंने एक साइज का कोशिश तो यही किया कि एक साइज की प्याज लूं, और ये सारे प्याज के ऊपर का छिलके मैंने निकाल दिया है अच्छी तरह से। और ये सारे प्याज मेरे किचन गार्डन का है, तो एकदम फ्रेश और बिल्कुल शुद्ध है। तो अब इस प्याज को आधा किलो के करीब होगा, वेट तो नहीं किया है पर अंदाज से बोल रही हूँ, अब इस प्याज में मैं कट लगाऊंगी। तो ये पीछे का साइड पे कट मत लगाइएगा, इसके जस्ट अपोजिट ऊपर के साइड में इस तरह से आप आधा कट लगाइएगा। पूरे प्याज को आर पार नहीं करना है, आधा तक कट करना है, मैं दिखा रही हूँ बस इतना तक ही। और ठीक इसी तरह से एक और कट आप इसके जस्ट दूसरे साइड से लगा दीजिए, जिससे कि चार फांके में बटे नहीं लेकिन जुड़ा रहे और चार फांके हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब प्याज मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है, सारे प्याज को ऐसे ही मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब इस प्याज की सब्जी में क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे, मसाले पड़ेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए दो हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लेते हैं, एक इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लेते हैं, दो मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा धनिया की पत्तियों को कट कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया है 1/4 चम्मच कलौजी और 1/2 टेबल स्पून जीरा और सौंफ लिया है, और थोड़े से कड़ी लिप्स को। और अब चलिए हम एक स्पेशल मसाला भी बना लेते हैं। तो इसके लिए 2 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, मैंने 1/4 नमक डाला है। और सारी चीजों को अच्छी तरह से पहले सूखा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एकदम सा अच्छा सा घोल बना लेंगे। इस तरह से मसाले फूल जाते हैं पानी में और बहुत बढ़िया बनती है सब्जी इससे। और एक चीज और कि अगर आप हल्दी डालना चाहते हैं तो हल्दी भी इसी वक्त डाल सकते हैं, मैं बिना हल्दी के ही ये सब्जी बनाने वाली हूँ। चलिए अब हम तेल डाल लेते हैं एक कढ़ाई में। सब्जी बनाने के लिए अच्छे अमाउंट में तेल डालिएगा, और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो एक एक करके साबुत वाले जितने भी प्याज है ना, उन सबको आप डाल दीजिएगा और फ्लेम को हाई ही रखिएगा। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमें प्याज को कुक करना है, अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते रहिएगा, जिससे प्याज जले नहीं, बिल्कुल खराब ना हो और ऊपर का एक लेयर ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतने देर तक हमें पकाना है। अगर 2 से 3 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा और टाइम आप दे दीजिएगा। ये देखिए ऊपर का सबका कवर ट्रांसपेरेंट हो गया है, अंदर का हम जब सब्जी बनाएंगे तब पक जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और एक एक करके सारे प्याज को आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसका कलर देखिए और टेक्सचर देखिए, बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। तो इसीलिए अब सारे प्याज को हम निकाल लिए हैं, और ये देखिए सारे प्याज का लुक और टेक्सचर अभी से बहुत सुंदर दिख रहा है। चलिए सब्जी के आगे के प्रोसेस को देखते हैं। तो अब इसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया है वही सरसों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और जो तड़के का सामान दिखाया था वो डाल दीजिए, 1 चुटकी हींग डाल दीजिए, और जब तड़का अच्छी तरह से चटकने लगे तो हरी मिर्च डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, और साथ ही जो बारीक चॉप करके प्याज रखा है ना वो प्याज आप डाल दीजिए। और इन तीनों को अच्छी तरह से चला चला के आपको ट्रांसपेरेंट होने तक, प्याज के ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट होगा तब तक अदरक और हरी मिर्च भी अच्छी तरह से पक जाएगी। लगातार चलाते रहिएगा, फ्लेम को आप अभी फास्ट ही रहने दीजिएगा। और अब जब देखिए पूरे ट्रांसपेरेंट हो गए ना प्याज, तब ये जो हमने मसाला बना करके रेडी किया था अब ये काफी अच्छा फूल चुका है, तो इस मसाले को मैंने ऐड कर दिया है। अब अलग से आपको कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, ज्यादा नहीं, कम से कम 1/4 कप आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए, और अच्छी तरह से इसे लगातार चलाते हुए फ्लेम को अब लो कर लीजिए और अच्छी तरह से पकाइए, जब तक इसका अच्छी तरह से इसमें तेल ना रिलीज करने लगे। अब देखिए तेल रिलीज हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इमली जो भिंगो करके रखा था ना उसका पल्प निकाल करके डाल दिया है, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से खोल भी जाए और ये जो तेल है वो सेपरेट भी होने लगे सब्जी से। तो ये देखिए अब इसका कलर और टेक्सचर देखिए, अलग होने लगा है ना तेल,
तो सारे प्याज को एक एक करके इसमें डाल दीजिए। फ्लेम को आप मीडियम या लो रखिएगा अभी, और सारी प्याज को डालने के बाद इसे थोड़ी देर और पकाना है, जिससे कलर सब्जी की बहुत बढ़िया आए, रंगत बढ़िया आए और सब्जी खाने में खूब टेस्टी लगे। अब इसे अच्छी तरह से एक बार चला लीजिए। फ्लेम को अभी आप लो ही रखिएगा, और हो सके तो आप इसे ढक करके भी पका सकते हैं, नहीं तो ओपन में भी पकाएंगे तो पका सकते हैं। मैंने आधा कप के करीब और पानी इसमें ऐड कर दिया है, वो क्लिप मिस हो गया है, लेकिन आधा कप मैंने पानी ऐड किया है। और इसके बाद सारी चीजें मिला करके एक बार ढक करके 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है, अब प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है, तो एक बार खोल करके भी देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे बबल्स पड़ रहे हैं और कलर भी बहुत बढ़िया है सब्जी की। सब्जी हमारी बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है। चलिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ सब्जी एक प्याज को लेकर के। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही लाजवाब बनी है। सब्जी का टेस्ट और लुक और बढ़िया बने, इसके लिए थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया डाल देते हैं। सब्जी बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसे सर्व भी कर लेते हैं। तो फ्लेम को ऑफ कीजिए और चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए राजस्थान की तपती धूप में रामवाड़ रेसिपी, प्याज की चटकारेदार स्पेशल सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे आप रोटी पूरी पराठे के साथ खाइए, जैसा मैं खाना पसंद करती हूँ, या फिर दाल चावल के साथ खाइए, उसके साथ भी परफेक्ट और बढ़िया जाएगा। ये स्वादिष्ट सब्जी सिंपल से सिंपल खाने को भी लजीज और चटकारेदार बना देती है। आज की ये स्पेशल सुंदर सी सब्जी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, और ढेर सारा भर भर के कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।